आज सावन का दूसरा सोमवारी सामने बाबा बैद्यनाथ जी का दर्शन करे, हर हर महादेव, बोल बाम, ओम नमः शिवाय। अभी कांवरिया पथ में यहाँ पे कांवरिया नर्वस हो जाने के कारण उसको एम्बुलेंस के माध्यम से देवघर अस्पताल ले जा रहा है बाबा बैद्यनाथ नगरी में। और यहाँ पे मंदिर के बाहर में एक देख रहे हैं आप किस प्रकार यहाँ का एक इंसान है जो कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार का हाइट है। क्या नाम हुआ? आधा घंटे से आप लोग? एक घंटा हो गया। तो कितना दूर लाइन गया था आज? बहुत दूर गया था, क्या बताया, बहुत परेशान। आप लोग कहाँ से हैं? रांची से। रांची से तो कैसा लग रहा है? सावन का दूसरा सोमवारी है, वो सोमवारी है, ठीक है। वो ऐसा भी हो सकता है अगर प्रशासन चाहता तो बॉर्डर से उधर भी हम लोग को रुका सकता था। उधर जगह नहीं ना? जगह बहुत है उधर। महिलाओं के लिए गोल अलग रखना चाहिए, लेडीजों का अलग रखना चाहिए, एक पर एक पर एक मारा सब का। अगर आप लोग बच्चे लेकर आते हैं तो इसमें जो पूरा पांच लाइन है और पांचों लाइन में जो कांवरे को लगाया गया है ताकि यहाँ पे भीड़ कंट्रोल हो सके। और आप देख सकते किस कितना समय से आपको लाइन में लगे? अरे हम तो सुबह से 5 बजे से लगे हुए लाइन में, नंदन पर्वत हुए घूम के आ रहे हैं अभी 1.5 घंटा। आज सावन का दूसरा सोमवारी कैसा लग रहा है जल चढ़ाने? बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन अभी तक जल चढ़ा नहीं पाया, प्रशासन हमें बहुत देर तक रोक के रखी हुई है। यहाँ पर श्रद्धालुओं की हालत बहुत गंभीर हो गई। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्लॉगिंग अजय में। और आज सावन का दूसरा सोमवारी है और उसको लेकर के जो है कांवरियों का एकदम बाबा नगरी में जनसैलाब आ चुका है, आप देख सकते हैं। और किस प्रकार जो है कांवरियों को यहाँ पर भीड़ देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। और लगातार जो कांवरियों से भी हम बातें कराते हैं, फिलहाल बने रहिए वीडियो के साथ, देखते रहिए हर हर महादेव, बोल बम। तो अभी हम लोग मानसिंगी तालाब के सामने हैं और यहाँ पे देख रहे हैं क्यू कॉम्प्लेक्स होते हुए जो किस प्रकार कांवरिया जो है लाइन के माध्यम से जा रहे हैं। यहाँ पे जो है पुलिसकर्मी के द्वारा जो है लगातार यहाँ पे पेयजल का सुविधाएं जो है सेवा दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं। और कांवरियों का भीड़ आप देख सकते हैं किस प्रकार है, पूरा कांवरियों का एकदम जनसैलाब आ चुका है। और सर सेवा करें कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। इस बार मौका मिला है सेवा करने का? प्रत्येक साल लगभग मिल जाता है, 2 साल के बाद इस बार आए हर हर महादेव। दोस्तों आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है पूरा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और आइए इधर से मैं जो है और सारे बम जी से जो है बातें कराते हैं और बने रहिए वीडियो के साथ। बम जी, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। क्या नाम हुआ? बोल बम, बोल बम। नाम क्या हुआ? कितना दिन लगा? 2 दिन में देख सकते हैं हम लोग जो है यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और ये मानसिंगी का तालाब जो है ये सामने आप कर रहा है, इधर आप देख सकते हैं। और यहाँ से जो है जस्ट बगल में जो है आपका इधर क्यू कॉम्प्लेक्स होते हुए जो है कांवरियों का लाइन जो गुजर रहा है, आप देख सकते हैं। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। कितना दिन लगा बम जी आपको यहाँ के? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कितने साल जा रहे हैं? कितना साल से आ रहे हैं? 19 साल से। 19 साल से, 20वां साल। हर हर महादेव, हर हर महादेव। देख सकते हैं और बम जी बहुत खुश है अभी। सावन का पहला दूसरा सोमवारी में 4 साल कैसा लग रहा है? सही है, सावन का दूसरा सोमवारी में एकदम सही है, एकदम। चलिए हर हर महादेव। कहाँ से हैं बम जी? बलिया जिला। बलिया जिला से, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर के सारे बम जी कहाँ से? बनारस। बनारस से हाँ। कितना साल से आ रहे हैं? 16 साल से। 16 साल से। देखिए बम जी आप बोलबम यूपी जिला से। यूपी से बहुत सारा मेरा वीडियो देखते हैं, भदोही में। धन्यवाद। यहाँ पे देख कांवरियों का एकदम जनसैलाब आ चुका है बाबा नगरी में और आप देख सकते हैं लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ। और तब तक आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए हर हर महादेव। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है सूचना केंद्र है, अगर आपके कोई भी साथी छूट जाते हैं तो यहाँ से जो है आप अनाउंस करवा के उनको यहाँ पे बुला सकते हैं। और काफी अच्छा ये जो हर एक जगह पे आपको मिल जाएगा इस प्रकार झारखंड में, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे देख सकते बहुत सारे बम जो है इनका साथी बिछड़ चुका है और यहाँ पे जो है उनको ढूंढने में जो है मदद मिल रहा है, आप देख सकते हैं। और ये सूचना केंद्र में आप रुक करके जो है अनाउंस वगैरह करवा सकते हैं। चलिए क्या क्या बेचते हैं? क्या क्या बेचते हैं? भांग धतूर, महादेव मिठाई, जो जाना तो वही चढ़ा तो भैया। आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है पूरा झरना चल रहा है और ये फवारा जो है लगातार यहाँ पे बीच बीच में आपको हर एक आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर के बीच में मिल जाएगा देखने को, आप देख सकते हैं। और आज कांवरियों का भीड़ देखिए किस प्रकार। बोल बम, बोला कांवरिया, बोल बम, हर हर महादेव। चलिए आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है सभी बम एक एक करके लाइन के माध्यम से कतारबंद होते हुए जो है बाबा नगर की ओर जा रहे हैं। और आज की अगर भीड़ देखा जाए तो बहुत ज्यादा भीड़, आप देख सकते हैं पूरा लाइन जो आज भरा हुआ है। और इधर जो है फवारा में बिकते हुए जो है कांवरिया जा रहे हैं, बोल बम। अभी जो है हम शिवराम झा चौक के पास आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं कांवरियों का यहाँ पर भी किस प्रकार लाइन के माध्यम से जो है लग करके सभी कांवरिया जा रहे हैं बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक करने के लिए। और देखिए भीड़ जो है
गजब का भीड़ है भाई साहब। और बीच में यहाँ पे बैरिकेडिंग है ताकि कांवरे को जो है आने में जो है कोई भी प्रकार का यहाँ पे दिक्कत ना हो, उसके लिए इस प्रकार जो है यहाँ पे सेवाएं इसको पुलिसकर्मी के द्वारा जो है लगातार यहाँ पे किया जा रहा है। और चलिए आगे में देखते हैं कहाँ पे जो है निःशुल्क सेवाएं आपको दिया जा रहा है, कांवरे को किस प्रकार क्या क्या सुविधाएं आज सावन का दूसरा समारोह में दिया जा रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं और बने रहिए वीडियो के साथ, देखते रहिए। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रकार जो है लगातार यहाँ पे पुलिसकर्मी के द्वारा बैरिकेडिंग किया गया है ताकि यहाँ पे कांवरे को आराम से एक एक करके लाइन के माध्यम से भेजा जा रहा है ताकि आगे में कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए यहाँ पे जो है पुलिसकर्मी लगातार अपना ड्यूटी को निभा रहे हैं। आप देख सकते हैं और लगातार जो है मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए एक बार आप लोग जयकारा लगा दीजिए, हर हर महादेव बोल बम। देख सकते हैं किस प्रकार एक एक करके लाइन के माध्यम से जो है कांवरे को अंदर प्रवेश मिल रहा है। और आज भीड़ अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, सावन का दूसरा सोमवार है उसको लेकर के जो है कांवरों का भीड़ जो है लगातार बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं। दोस्तों इसमें जो पूरा पांच लाइन है और पांचों लाइन में जो है कांवरे को लगाया गया है ताकि यहाँ पे भीड़ कंट्रोल हो सके। और आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है कांवरे को आराम से यहाँ पे लगने का जो है ये लाइन का सुविधा दिया गया। बोलबम बोलबम, देख सकते हैं किस प्रकार जो है यहाँ पे लाइन में लगे हुए कांवरिया। और आज जो है सावन का दूसरा सोमवार है उसको लेकर के जो है पूरा लाइन आज भरा हुआ है। देखिए पांचों लाइन जो है आज आपको भीड़ देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। और चलिए इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। चलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव बोल बम। हाँ सर, कितना दिन लगा यहाँ आने में? हम लोग को लगा तीन दिन। आज सावन का दूसरा सोमवार कैसा लग रहा है जल चढ़ाने? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी तक जल चढ़ा नहीं पाया। प्रशासन हमें बहुत देर तक रोक के रखी हुई है। यहाँ पर श्रद्धालुओं की हालत बहुत गंभीर हो चुकी है, आप इसका जवाब प्रशासन को देना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पीछे बहुत सारे बम जी हैं और सबसे हर महादेव, हर महादेव। कितना समय से आपको लाइन में लगे? अरे हम तो सुबह से 5 बजे से लगे हुए लाइन में, नंदन पर्वत हुए घूम के आ रहे हैं, अभी 1.5 घंटा और लगेगा। अंजान से कितना लंबा लाइन लगा होगा? लंबा तो 10-12 किलोमीटर लंबा लाइन था। सावन का दूसरा सोमवार है और इतना भीड़ आज देखने को मिल रहा है, तो कैसा लग रहा है आपको जल चढ़ाने में? अभी जल चढ़ाने में तो कष्ट है, लेकिन इसके साथ में भगवान शिव से मिलने में भी मजा बहुत है। तो कितना साल से आ रहे हैं आप लोग? हम तो आ रहे हैं 4-5 साल लगातार हो गया। तो इस बार का पैदल यात्रा कैसा रहा? बहुत सुखद रहा, सुंदर था भाई। क्या नाम है? हमारा नारायण, हम छत्तीसगढ़ बम है। बोल बम बोल बम। तो आपने देखा यहाँ पे कि बहुत सारे बम जो है 5 बजे से लाइन में लगे हुए हैं और अभी जो है इन लोग का अभी तक जो है जलाभिषेक नहीं हुआ है और बहुत लंबा लाइन है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे और सारे बम से जो है अभी हम बातें करते हैं, बने रहे वीडियो के साथ, देखते रहिए। आंटी बोल बम बोल बम। कितना समय से लगे हुए लाइन में? अभी आधा घंटा। अभी आधा घंटा से? आप लोग 1 घंटा हो गया। तो कितना दूर लाइन गया था आज? बहुत दूर गया था, क्या बताया, बहुत परेशान। आप लोग कहाँ से हैं? रांची से। रांची से? तो कैसा लग रहा है बाबा धाम आके? अच्छा लग रहा है, लेकिन अच्छा क्या बोले, बहुत परेशानी है। परेशानी भी है। तो जो बम जी आने वाले उनको क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे? जैसे बोलबम बोलबम। आप देख सकते बहुत सारे कांवरिया जो अभी आए हुए हैं। बोलबम बोलबम। क्या नाम हुआ? अनिल कुमार यादव। कहाँ से आप लोग? वैशाली जिला राघोपुर बिहार। कितना दिन लगा बम जी यहाँ तक आने में? यहाँ आने में 3 दिन लग गया। कैसा रहा इस बार का पैदल यात्रा? यात्रा तो ठीक ही रहा, पर यहाँ घुमाता ज्यादा है, टर्माता ज्यादा है दिया। भीड़ कंट्रोल करने के लिए होता है। हाँ हाँ। चलिए बोलबम। ब्लॉगिंग अजय, ब्लॉगिंग अजय, ब्लॉगिंग अजय अजय। आप देख रहे होंगे यहाँ पे किस प्रकार जो है लगातार यहाँ पे कांवरियों को निःशुल्क पेयजल पिलाया जा रहा है पुलिसकर्मी के द्वारा, आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पे बोलबम बोलबम। तो अभी जस्ट हम लोग कांवरिया पथ में जो है यहाँ बम लोग से रिव्यू ले रहे थे और इसी बीच में जो है फिर से यहाँ बारिश प्रारंभ हो चुका है। आप देख सकते हैं बारिश में जो लगातार कांवरिया व्यक्ति भी फिर भी जो है जलाभिषेक करने के लिए लाइन में लगे हुए, इधर जो पूरा इसको छाव कर दिया गया ताकि कांवरे को किसी भी प्रकार परेशानी ना हो। और बीच में जो है बहुत सारे जगह पे ऐसा है जहाँ पे जो है कांवरे को भीग करके ही जो है लाइन में लग करके गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो अभी देखिए मौसम काफ़ी अच्छा है जहाँ पे कांवरे को धूप का असर नहीं पड़ रहा है और आराम से जो है जलाभिषेक कर रहे हैं। इधर देखिए व्यक्ति भी जो कांवरिया लाइन लगने के लिए जो है पीछे जा रहे हैं। और इधर अभी हमारे साथ एक बम जी है, सबसे पहले बोलबम बोलबम। बम जी यहाँ तक आने में आपको परेशानी क्या क्या हुआ? परेशानी तो एक तो उधर 120 किलोमीटर लमसम चले हैं और 15-20 किलोमीटर इधर दौड़ा के हम लोग को परेशान कर रहा है। देवघर में लाइन लगा जा रहा है? देवघर में लाइन तो एनी टाइम रहता है, बगैर ये आज का दिन ज्यादा फोकस कर दिया। सावन का दूसरा सोमवारी है, वो सोमवारी है, ठीक है। वो ऐसा भी हो सकता है अगर प्रशासन चाहता तो बॉर्डर से उधर भी हम लोग को रुका सकता था। उधर जगह नहीं ना? जगह बहुत है, उधर एक से एक
बड़ा बड़ा भंडारा और काची बोलता है वो शिविर, वो शिविर लगा हुआ है, वो धर्मशाला है, हम लोग वहाँ पर रुकते हैं, कुछ व्यवस्था खाने पीने का होता ना। तो कितना साल से आप लोग बोलवा रहे हैं? हम 5 साल से आ रहे हैं। 5 साल से पांचवा है इस बार का थोड़ा। एसएम का मत नाम लीजिए, ये मंत्री जी का जो मुख्यमंत्री यहाँ का है नीतीश कुमार का जैसा, ये भी बदल गए हैं। हाँ, हम लोग का बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश है, वो पलटू राम है, पलटू राम का जैसा यहाँ का भी मंत्री का संभावना लग रहा है कि वो सही निकले। इधर बाम जी क्या बोल रहे हैं महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए गोल अलग रखना चाहिए, लेडीजों का अलग रखना चाहिए, एक पर एक, एक पर एक मारा टेर साहब का। अगर आप लोग बच्चे लेकर आते हैं या फिर अपने साथ में परिवार को लेकर के आते हैं तो इस भीड़ में आपको कोई भी परेशानी हो सकती है? इस लोग को कितना तकलीफ हो रहा है जी। अभी उधर पीछे से धक्का मारेगा उन लोग को, ऊपर गिरेगा, एक तो इतना दौर से आया है कि वो लोग का पैर हाथ हम लोग का काम नहीं कर रहा है, तो वो लोग को कितना दिक्कत होगा। 5 बजे से लाइन लगाए हुए हैं, सुबह 5 बजे से जी हाँ, कोई व्यवस्था नहीं है। समझ लीजिए जो लेडीज हैं या लड़के हैं सब एक जैसे बराबर किए हुए हैं, ये समझ के लिए आप। झारखंड सरकार से और क्या आप मांगना चाहेंगे? सेवा यही है कि कम से कम जितना कांवरिया आ रहे हैं कम से कम समय में दर्शन हो जाए, यही सेवा है, यही सबसे बड़ी उनके लिए भोलेनाथ का आशीर्वाद होगा। चलिए बोलबम बोलबम। यहाँ पे जो है एक बम जी नर्वस होने के कारण जो है यहाँ पे इसको एम्बुलेंस के माध्यम से अभी ले जा रहा है इनको सर्जरी कराने के लिए। आप देख सकते किस प्रकार जो है, और अगर आप लोग को इस प्रकार कोई दिक्कत होता तो पहले आप लोग यहाँ पे जो है आप लोग अपना मेडिकल के द्वारा यहाँ पे दवाई वगैरह ले सकते हैं। और उससे पहले आप देख सकते किस प्रकार इनको जो है यहाँ पे लगातार सुविधाएं देने के लिए ये लगाया गया है, देख सकते हैं। दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे हैं बाबा बैद्यनाथ नगरी में, और यहाँ पे मंदिर के बाहर में एक देख रहे हैं आप किस प्रकार यहाँ का एक इंसान है जो कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार का हाइट है। क्या नाम हुआ? नाम क्या हुआ? दिनेश कुमार पाल। कहाँ हुआ आपका घर? कहाँ हुआ? वहाँ प्रयागराज। और कितना आप लोग जन्म से ऐसे हैं? जन्म से ऐसे हैं ऐसे पता है। तो आपका हाइट कितना होगा? हाइट मारा था नहीं। तो आप प्रयागराज से चलकर यहाँ आए हैं, कब आए हैं? मैंने 11 किया है, मैंने 12 किया है। तो आपके माता पिता क्या करते हैं? सब मदद करते लोग हैं, जितने भाई बहन जाते हैं सब मतलब आशीर्वाद लेते हैं, चढ़ाते हैं। तो आप कैसे आए यहाँ तक, कैसे डाल लाए? भाई लिया, भाई लिया, भाई ला दिया। हम कहा चलो दर्शन कही आए। थोड़ा जोर से बोलिएगा। बैजनाथ धाम। हाँ, दर्शन कही हम कहा चलो भाई। और कहा तो पूरा सावन अभी यहीं रहेंगे आप? हाँ, पूरे सावन सबसे मिल लेने आए सब। तो आपको यहाँ पे दान देते हैं जितने भी श्रद्धालु आते हैं? हाँ, सब देते हैं, सहयोग आपको करते हैं। हम मांगने नहीं रहे, मांग नहीं रहे किसी। हाँ, सहयोग से। हाँ, अपने देख लो सामने बैठे हैं। इच्छा से जो मिलता जो होता वो दान देते हैं। हाँ, आप जाते रहते देते रहते जी। मैंने सरकार आपको मदद करते हैं? हाँ, सब मदद करते हैं। महीना में देते हैं पैसा वैसा? हाँ, सब देते हैं महीना में। हाँ, तो आपने देखा किस प्रकार जो है ये बम जी हैं, और इनको जो है आप लोग यहाँ पे सहयोग दे सकते हैं। और चलिए सहयोग दे सकते हैं, बोलबम हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ। तो दोस्तों आपने देखा अभी मंदिर के बाहर में किस प्रकार एक दिव्यांग टाइप का जो है बच्चा था, शायद उसका उम्र 18+ हो रहा है, लेकिन फिर भी जो है उस प्रकार उसका हाइट है। तो खैर वो सर ही छोड़िए, अभी हम लोग मंदिर प्रवेश कर चुके हैं, और सबसे पहले आप लोग महादेव का भी तो दर्शन कर ही लिए होंगे। और सामने में आप देख लीजिए किस प्रकार क्राउड है पूरा मंदिर के परिसर में, आप देख सकते हैं। और आज जो है भाई साहब पहला सावन का जो समारोह था उससे कई गुना आज भीड़ था। आप देखिए इधर जो है पूरा लाइन में किस प्रकार कांवरियों को ठेल करके जो है अंदर लगाया जा रहा लाइन में, और बहुत यहाँ पे जो है पुलिसकर्मी के द्वारा जो है अत्याचार होते रहता है। तो खैर ये सारा चीज़ छोड़िए, उसका अपना काम है ड्यूटी करना, वो अपना काम कर रहे हैं। इधर में आपको लेकर चलते हैं, और अभी जो है पश्चिम गेट है सामने, इधर ऊपर में देखिए ये जो है ना पूरा नॉर्मल लाइन लग करके, और जो है गर्भगृह अंदर में जाके जो है जलाभिषेक करते हैं, वो अर्घा जो लगा हुआ है आपका अंदर में, ठीक है। ये पूरा लाइन देखिए, और देवघर में तकरीबन आज जो है 10 से 15 किलोमीटर आपने अभी देखा होगा, पीछे में आपको दिखाते हुए आए हैं, ठीक है। ये देख लीजिए पूरा जो है प्रांगण किस प्रकार भरा हुआ है कांवरियों से, और डाक बम का भी जो है सेवा नहीं दिया गया है, नॉर्मल लाइन से ही आते हैं। और नॉर्मल बाहर में अगर अर्घा में आप जलाभिषेक करना चाहेंगे तो आगे में आपको दिखा देते हैं, चलिए। और बाहर में बहुत सारे डाक कांवरिया जो है बाहर में ही करते हैं, क्योंकि उनको जो 24 घंटे के अंदर जो है जल अर्पित करना है, और उसमें भी जो है उन लोग को इस प्रकार सुविधा नहीं दिया जा रहा, अलग लाइन नहीं लगाया जा रहा है। तो ये सारा चीज़ होना चाहिए, लेकिन क्या ही करें। और दोस्तों आप लोग कौन सा डेट को आने वाले हैं प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। और अभी देखिए बहुत सारे जो है डाक कांवरिया भी जो है अभी आए हुए हैं, सामने स्क्रीन डिस्प्ले पे आप देख लीजिए किस प्रकार अंदर गर्भगृह में जो है जलाभिषेक होता है, वहाँ पे किस प्रकार जल चढ़ता है वो आपको यहाँ पे बाहर से देखने को मिलेगा। फिलहाल ये बाहरी अर्घा है, आप देख लीजिए यहाँ पे जो है किस प्रकार, यहाँ पर भी जो सोमवार के दिन में जो है जल चढ़ाने के लिए यहाँ पर किस प्रकार भीड़ रहता है बाहरी अर्घा में भी।
तो आप समझ लीजिए, जब आप अंदर चलिएगा तो अंदर में तो एकदम पुलिस रहता है, आपको ठेल करके एकदम बाहर भेज देगा, इस प्रकार एकदम भीड़ रहता है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है अभी सावन के महीना में जल चढ़ाना, तो आप लोग अगर आते हैं तो कुछ अच्छे समय में आइए, सोमवारी को आप लोग ना आइए, सोमवारी के दिन में जो है ना बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहता है, सोमवारी को आप आगे टाल दीजिए, उसके बाद आइए तो बहुत अच्छा आपको बेहतर तरीके से जो है आराम से थोड़ा जो है मंदिर प्रवेश करेंगे तो आराम से जो है जलाभिषेक कर लेंगे। वहाँ पर तो स्थिर नहीं रहने देगा, फिर भी जो है आप लोग को कुछ राहत मिलेगा। तो दोस्तों ये था पूरा सावन का दूसरा सोमवारी, जो कि पूरा बाबा नगरी में एकदम कांवरियों का एकदम गेरुआ कलर में एकदम जन सैलाब है, आप देख सकते हैं। और लगातार हमारे चैनल के माध्यम से जो है मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और लगातार देखते रहिए, हमसे जुड़े रहिए, और जितना होगा चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी दिखाएं किस प्रकार बाबा नगरी में आपका भीड़ होता है। चलिए दोस्तों लास्ट में हर हर महादेव बोलबम, आप सभी को वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।